सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई नो मैं आज बहुत दिनों बाद शूट कर रहा हूँ, सो ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैं नहीं कर पाया, आई डोंट नो, बट नाउ आई एम स्टार्टिंग अगेन। तो आज टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम जा रहे हैं कॉलेज। तो एक्चुअली पहले हम बस लेने वाले थे, अभी मैं अपने फ्रेंड के घर पर हूँ। तो एक्चुअली नाइट से मैंने यहाँ पर ही किया क्योंकि मेरे घर से जो कॉलेज है वो सुबह सुबह जाना थोड़ा दूर पड़ जाता है, और एक्चुअली आज संडे है, संडे को थोड़ा बसेस का प्रॉब्लम होता है, और यस कॉलेज हमारा संडे को लगता है, सो जो कि वेरी वियर्ड है। स्टिल अभी हम कॉलेज जा रहे हैं, तो आज बेसिकली आपको मेरा कॉलेज दिखाऊंगा और क्लासरूम। आज मैं लास्ट वीक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो कोर्स था वो हाइब्रिड था, तो एक्चुअली 1 वीक हमको ऑनलाइन था और 1 वीक ऑफलाइन। सो आज जो है हमारा लास्ट ऑफलाइन वीक है, क्योंकि 2 ग्रुप बना दिए थे एक क्लास में से, तो हमारा ए ग्रुप है, राइट। तो आज हम जाएंगे और 13 वीक में बी ग्रुप जाएगा, और 14-15 वीक में जो भी एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगी, तो पीछे आज हम इसमें जाएंगे। बाकी कॉलेज जाके आपको दिखाता हूँ क्या होगा क्या नहीं, और ये आज की हमारी आउटफिट जो भी आपको दिखाऊंगा बाद में। सो चलिए अब चलते हैं इसी गाड़ी में और फिर मिलता हूँ आपसे। ओके गाइस, तो हम अंदर बैठ गए हैं, गाड़ी चलाना तो हमको आता नहीं है, तो चलाएंगे हमारे फ्रेंड है। तो अभी हम जाएंगे कॉलेज, सीट बेल्ट ज़रूरी है, सीट बेल्ट। ओके ओके चलिए, अब आपको दिखाएंगे रास्ता और मिलते सारे कॉलेज पर। तो गाइज जस्ट अभी हम कॉलेज के आगे खड़े हैं, तो अभी निकल के आपको दिखाता हूँ, सामने ही हमारा कॉलेज है, यहाँ से आपको क्लिम्स दिखाता हूँ। सो वो रहा गाइज सामने जूम करके, ये है प्योर्स कॉलेज। बाकी आपको बाहर जाके दिखाता हूँ क्या सीन है क्या नहीं और अंदर से कैसा है, तो चलिए चलते हैं। ओके गाइज आ गए हम कॉलेज, अभी चलेंगे फटाफट। ओह माय गॉडनेस, तो गाड़ी में तो ऐसा लग रहा था कि हम रोलर कोस्टर में बैठे हैं, है कि नहीं। ओके प्योर्स कॉलेज गाइस, ये रहा प्योर्स कॉलेज, अंदर जाके पता नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, बट स्टिल लेट्स सी। हो रही TTC की बस, बाकी अंदर जाके पता चलेगा। तो ये यहाँ पे मेजर इंटरसेक्शन मिडलैंड एंड लॉरेंस एवेन्यू, उसके बीच में हमारा कॉलेज आता है, तो वो है प्योर्स कॉलेज, देख लीजिए। तो यहाँ पर छोटा सा झरना लगा हुआ है, ठंडी में जो बंद हो जाता है गर्मियों में पानी देता है। तो अभी चलेंगे अंदर, लेट्स सी, अच्छा है अगर रिकॉर्ड करने दे दो, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलो चलो चलो, बस इज एम्प्टी,
ओके, फेस मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही लगाया है। आ गए हम अंदर। सो नीचे यहाँ पे सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यहाँ से ऊपर जाके हमारा कॉलेज आता है। चल लग गए। ओके लेट्स गो। सो ये कॉलेज है हमारा इस साइड, पर हमको जाना है इस साइड। सो ये पूरा कॉलेज का एरिया है, यहाँ पे वॉकिंग चलते जा रहे हैं अभी अंदर। स्टाफ ओनली, मीटिंग रूम है, टॉयलेट्स हैं यहाँ पे, ये नोटिस बोर्ड है, और यहाँ पे फिटनेस रूम है। अभी बंद है, पता नहीं कितने बजे खुलेगा। बैग फुलाते हैं। और ये रहे स्टाफ ओनली, आगे क्लासरूम्स आएंगे। यहाँ से सेकंड फ्लोर ऊपर जाता है, वहाँ पे भी क्लासेस हैं, बाकी आएगा आपको दिखा। सो ये रहे क्लासरूम्स, अभी क्लासेस चल रही होंगी। सो ये सारे क्लासरूम्स हैं यहाँ पे। हम थोड़ा क्लास में लेट जा रहे हैं। और यहाँ पे पानी भर सकते हैं, और यहाँ पे जेरोक्स, आप जैसे मर्जी मतलब अपने पेपर लेके आके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये भी सारा कॉलेज का ही एरिया है, और ये सब क्लासरूम्स हैं। तो क्लासरूम्स फॉर एग्जांपल ऐसे दिखते हैं। अभी हम तो दूसरे वाले में जाने वाले हैं। सो ये क्लासरूम्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक और क्लासरूम है, वहाँ पर बैठा हुआ था पहले से। और हम जाएंगे अपने क्लासरूम में, तो चले चलते हैं। तो गाइस रिकॉर्डिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अभी हम जस्ट क्लास ला के निकले हैं और छोटी सी ब्रेक हुई है, तो मैंने सोचा आपको रेस्ट ऑफ द एरिया दिखा देता हूँ। तो अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। ये सारा क्लासरूम पीछे आपको दिखा दिया मैंने एरिया हो वाला, अभी चलते हैं ऊपर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे ऊपर, देखते हैं कौन है कौन नहीं। चलिए, तो यहाँ पे एक लैब है जहाँ पे अभी लोग हैं। ये दूसरी लैब है हमारी यहाँ पे, ये वॉशरूम्स एंड ऑल। और यहाँ पे हमारी एक क्लास लगी थी पिछले सेमेस्टर। और यहाँ पे ये है स्टूडेंट लाउंज, तो यहाँ पे ऐसा बैठ सकते हैं, लंच कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह व्यू, धूप आ रही है बहुत अच्छी। सो ये सारा लंच रूम है। यहाँ पे वेंडिंग मशीन अभी अभी लगाई है, पहले नहीं थी। तो ये सारा जो है हमारा लंच रूम है, राइट, देख सकते हैं आप। सेम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इस साइड कॉलेज आता है, इस साइड भी कॉलेज आता है। आई थिंक वहाँ पे भी लैब है अभी एक, ये ऑफिस है और यहाँ पे लैब है। इस साइड भी यहाँ पे कुछ ना कुछ है ही, डांस रूम, आई डोंट नो, यहाँ पे मैं कभी आया नहीं। तो यहाँ से आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने का भी एरिया है जहाँ से आप सीधे वो फ्रंट पे चले जाएंगे, जहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया था। तो बेसिकली दैट्स इट, इतना ही है कॉलेज जो है हमारा, राइट। तो ये पूरा एक टूर मैंने आपको करा दिया है। सो ये वापस हम वहाँ पे आ गए फ्रंट पे, जहाँ से हम जा रहे थे वही लॉबी में। तो अभी हम वापस आएंगे क्लास में, देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बेसिकली दैट्स इट, यही है कॉलेज। तो मैंने आपको कॉलेज का एक टूर दे दिया है छोटा सा, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं। तो दिस इज़ द कैंपस दैट वी हैव, ठीक है, एक छोटा कॉलेज है, पढ़ाई यहाँ की ठीक है, आसान है। तो अगर आपको कैंपस लाइफ चाहिए तो यहाँ पे आना मैं रेकमेंड, वही मैं कह रहा था कि अगर आपको कैंपस लाइफ चाहिए तो यहाँ पे आना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं देखा हमने कॉलेज इतना छोटा है, और यहाँ पे काफ़ी कोर्सेज ऑनलाइन और हाइब्रिड होते हैं, तो रोज़ आपका आना भी नहीं होता है। यहाँ पे कम्यूट करना आसान है, बाद में यहाँ पे इतना वो नहीं है, कैनेडियन लोग इतने नहीं है, मतलब जो यहाँ पे स्टडी करते हैं ज़्यादातर अपने इंडियन ही है। तो एक ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक है भाई, कॉलेज पूरा अच्छा है। फिटनेस रूम भी पता नहीं खुला है कि नहीं, वो आपको बाद में दिखाऊंगा, पर दिस इज़ बेसिकली। यहाँ पे हम पानी भरने आए थे, हमको प्यास लगी थी काफ़ी बोल बोल के, यू नो। तो ये हमारा पानी हो गया रेडी, हमने पानी पी लिया है। सो बेसिकली दिस इज़ इट, और कुछ दिखाने लायक यहाँ पे है नहीं। मैं आपको सामने बाहर जाके दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं,
तो कॉलेज का तो यही सीन है, ये इतना सही कॉलेज है। एक्चुअली हमारा कोर्स जो था वो हाइब्रिड था, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आई ऑनलाइन ऑफलाइन। बाकी अगर आप रोज़ ऑफलाइन आते हैं तो यहाँ पे कम्यूट करना थोड़ा हार्ड है। मैं रिकमेंड करूँगा आप हम्बर कॉलेज या ऐसा कोई कॉलेज लें तो आपको और कैंपस लाइफ भी देखने मिले। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट गाइस। अब हम जा रहे हैं स्टारबक्स टू गेट सम ड्रिंक्स। तो गाड़ी हमारी यहाँ पे हो गई है स्टार्ट। यू गेट इन फ्रॉम दिस साइड। सो माय फ्रेंड्स जो हैं वो आ गए हैं यहाँ पे, झगड़ा करे जा रहे हैं। ओके लेट्स गो, बढ़ो अंदर। हमारे दोनों लेक्चर खत्म हो गए और हमने टेस्ट भी दे दिया है। अभी बैठे लंच रूम में, तो ये बैठे हमारे सामने मेरे फ्रेंड्स, पूरा लंच रूम है। इतना अच्छा व्यू आ रहा है वहाँ खाते हुए। तो गाइज अभी हम निकल गए कॉलेज से, कॉलेज पर मैंने पीछे पाए अभी चलते कहाँ जा रहे हैं शायद लंच। कॉलेज जो है हमारा खत्म हो चुका है, पीछे प्राइवेट क्लास चल रही है। तो अभी ज़्यादा टाइम घूमते जाते हैं हमारे कॉलेज। हमको हरसिमरन ने यहाँ छोड़ दिया है और यहाँ से अब हम लेंगे बस। वो जा रहा है हरसिमरन, बस हमारी आएगी यहाँ से, फिर चलेंगे अब घर पे। हो गया कॉलेज ख़त्म। ये देखो कितना अच्छा व्यू है। तो गाइस घूम फिर के आ गए हमारे वही यूजुअल में बस में। तो अभी हमको यहाँ से जाने में एक घंटा लगेगा, तो अभी अब हम घर पे जाके मिलता हूँ आपसे, फिर बाकी बातें तब करेंगे। तो अभी बस में एक घंटा देखते क्या करते हैं। गाइस बस ने हमको छोड़ दिया है और अभी हम जा रहे हैं घर पे। आई होप मेरे हेडफोन से आवाज़ आपको सही आ रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलेज का कैंपस जो है वो थोड़ा छोटा है, बट आज मैं थोड़ा लास्ट दिन था तो आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट लो, क्योंकि भले हम कम दिन गए हैं कॉलेज में बट स्टिल बहुत सारी मेमोरीज़ हैं फ्रेंड्स के साथ। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ मैं, तो अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। अब मैं ट्राई करूँगा रेगुलर रहने का, पोस्ट करने के लिए कंटेंट। आप कमेंट करके बता देना आप कुछ भी पूछना हो जो भी है, इस पर वीडियो चाहिए हो। तो अभी घर पे पहुंचते हैं और बाकी बातें आपसे घर पे जाकर करते हैं। तो ओके बाय। तो गाइस आ गए हम 110 नंबर पे। ये हमारा घर जो है, अब इसको खोलेंगे और अंदर जाएंगे। सामान बहुत सारा है हाथ में, तो पहले वो यहाँ पे रखेंगे और अब खोलते दरवाज़ा, फिर लेके चलते हैं आपको अंदर। तो गाइस आ गए हम घर पे, देखते हैं अपने नीचे कोई है कि नहीं। कोई नहीं अभी तो यहाँ पे नीचे। तो एक्चुअली ये जो घर भी है यहाँ से हम जल्दी मूव होने वाला है कल। तो अगर आपको मूविंग की वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना, तो मैं उसको शूट कर लूँगा। बाकी मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी वीडियो आपको चाहिए ज़रूर से मुझे बताइएगा, कमेंट ऑन कर दीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू मेक इट। एंड जो भी गलतियाँ हुई इस व्लॉग में प्लीज़ इग्नोर दैट, बहुत दिनों बाद मैंने स्टार्ट किया है फिर से बनाना एंड आई विल ट्राई टू बी रेगुलर फॉर श्योर। सो थैंक यू for watching the vlog and see you guys in the next one.